पेट में गैस, अफारा, अपचन बड़ी कॉमन समस्या रहती है। बहुत से लोगों को बार बार पेट में कुछ भी खाते हैं तो पेट में अफारा हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता। तो उसके लिए बहुत से कारगर उपाय हैं आयुर्वेद में, जिनका यदि आप घर पे या अवेलेबल चीज़ें हैं जिनको आप प्रयोग करेंगे तो आपके पेट की गैस की, अफारे की या जलन की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। उसमें सबसे कारगर रहती है सौंफ। सौंफ मित्रों बहुत लाभकारी है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी कारगर है। तो मेरी प्रार्थना, जब भी आप भोजन करें या कोई भी आप खाना खाएं आफ्टर मील, आप सौंफ जरूर चबाएं। लेकिन सौंफ के साथ आपने सफ़ेद चीनी का प्रयोग नहीं करना, उसके साथ आप गुड़ का प्रयोग करेंगे या मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रामबाण है और गैस और अफारे से आपको निजात दिलाती है। यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या बहुत ज़्यादा अफारा बनता है तो अजवाइन भी इसमें बड़ी कारगर आयुर्वेदिक औषधि है। तो अजवाइन को आपने कैसे करना है, एक चम्मच का चौथा हिस्सा अजवाइन खाना खाने से पहले अगर आप चबा लेंगे तो उससे आपको भूख भी अच्छी लगेगी, पेट का गैस अफारा की समस्या भी गायब होगी और साथ को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। और उसी प्रकार से किसी किसी व्यक्ति को देखने में आता है कि भूख बहुत कम लगती है, तो भूख को बढ़ाने के लिए आपने और पेट को ठीक रखने के लिए अदरक का भी बड़ा लाभकारी प्रयोग है। यदि आपको भूख कम लगती है तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेके आप उसको खाना खाने से पहले थोड़ा सा चबाइए, 2 से 3 ग्राम अदरक को आप चबा चबा के उसका रस अंदर निकल जाइए, और अगर यदि उसको सारे को अंदर निकल जाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं, तो उससे आपको भूख बहुत अच्छी लगेगी। यदि फिर भी आपको बहुत ज़्यादा गैस अफारे की समस्या रहती है तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनको आप प्रयोग करेंगे तो आपको गैस और अफारे की समस्या ठीक हो जाएगी। जिसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी रहती है हमारे यहाँ कुमारी आसम, एक आयुर्वेदिक सिर्फ है, बड़ी इजीली मिल जाती है, किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की कुमारी आसम ले लें, जितनी पुरानी होगी उतनी गुणकारी रहती है। तो इसकी 3-3 या 4-4 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद 4 चम्मच पानी और 4 चम्मच कुमारी आसम के मिलाकर लेंगे तो आपकी गैस अफारे की समस्या गायब हो जाएगी। और एक टेबलेट आती है गैसेक्स, या गैसेक्स टेबलेट 2-2 टेबलेट दिन में 2 बार ले लें, ये हिमालय कंपनी की मिल जाती है, बड़ा अच्छा रोल है इसका। गैसेक्स सिर्फ भी आती है, आप इसको पीने वाली शीशी को भी 2-2 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपको गैस अफारा या पेट की दिक्कतें रहती है तो प्लीज़ आप कपालभाति जरूर कीजिए। कपालभाति से आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, जो भी आप खाएं पिएंगे प्रॉपर तरीके से पच जाएगा। और हम कहाँ गलती करते हैं, हम बार बार कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, जैसे हम बार बार दिन में 3-4 बार चाय पी लेते हैं, उसके साथ कभी बिस्किट ले लेते हैं, कभी नमकीन लेते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, बार बार की चाय या बार बार थोड़ा थोड़ा खाना उसको भी बचाइए। आप 2 या 3 मील अच्छे से लीजिए, जो भी फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको भरपूर मात्रा में खाइए, और दोपहर से पहले पहले जितना भी हो सकता है आप ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कपालभाति जरूर कीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी व्याधियाँ हैं कपालभाति से 102% ठीक हो जाती है।